कर देनी, बोलो ना, थोड़ा दिल नहीं करता वधे 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 माया वधे। मेरे को एक पलाट दे दो पलाट होन, एक एकड़ जमीन तो मेरी 10 एकड़ जमीन बन जाए, दिल करता है कि नहीं बोलो। एक मझ या दो मझा हो जाण, एक गड्डी या दो गड्डियां हो जाण, क्यों? क्योंकि उस चीज नाल तुहाडा प्यार आ। आखो वाहिगुरु, ताड़ी सुरत उन्हां चीजां नूं प्यार करदी। सच जाणियो, जिदन तुहाडा गुरबाणी नाल प्यार होया उदन तुसीं इह अरदास नहीं करोगे मेरे पलाट वधण। उदन तुहाडी अरदास दे शब्द होणगे, अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवां, सुन सुन जीवां तेरी अरदास ते शब्द फिर यह होणगे। मैं वचन करन लगा सां वी थाल विच तिन, जिनी संगत बैठी है नाल गुरबाणी बोलोगे ना, तो मैं कई बार ये भी कहना हुंदा तुहाडा चौंकीदार हां, मैं शब्द मूँह चो वरत्या जांदा है कि असी साडे विचों बहुते जीव ओ ने जिन्हां नूं ये भी नहीं अजे पता भी थाल केड़े दी गल कीती है। थाल तुसीं जिन्नियां बैठियां जे मेरियां धीआं, जिन्ने मेरे वीर बैठे हो, साडे विचों हो सकदा 1-2% रूहां नूं पता होए भी किहड़ा थाल आ जिहदे विच 3 वस्तू पईआं। ओह आ शब्द रूपी थाल। कहदा जी? हाँ, अज तो लिख लियो सुरत च, सुरत दे कागज ते लिखियो भी गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी कहिंदे मंदावणी महला पंजवां, थाल विच शब्द रूपी परोसे हुए थाल दे विच 3 वस्तु पईआं ने, सत संतोख ते विचारो। इन्हां तिन्हां चीजां नूं जदों असीं खावांगे, थाल विच जिहड़ी चीज पई हुंदी कादे लई पाई दी है? शाबाश, जिंदे रहो। जदों असीं इन्हां नूं खावांगे, जे को खावे तिसका होए, जेड़े जेड़े जीव धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज चो सच सीखणगे, सच पहला है सत, दूसरा संतोख, तीसरा विचार। अजे ते असी मत्था टेकिया गुरु ग्रंथ साहब पिता जी नूं, रुमालियां च टके हुए मेरे सतगुरु गरीब नवाज ने दीदार किते ने, डिठे मुक्त ना होवी जिचर शब्द ना करें विचार। विचार दे विच जदों तुसीं आओगे, जितना तुसीं पालक खांदे हो, दही खांदे हो, रोटी खांदे हो, ते अंदर सारा कुछ मिक्स हो जांदा। आखो वाहिगुरु। फिर अंदर जदों सारा कुछ तिन्ने चीज़ां मिक्स होंदियां, अंदर कोई कुदरत ने इहो जी चीज़ फिल्टर कीती, फिट कीती, जिहड़ी सारियां चीज़ां नूं फिल्टर करके इहदे विच्चों इक चीज़ पैदा करदी जिहनूं कहिंदे खून। हाजर जी, जी समझ रहे? चौंकड़ा मारो ना, हुण तो थक गए, अज इको घंटा लाउणा, थके हो ना? आखो वाहिगुरू। तिन्ना चीज़ां दे विच्चों, पालक विच्चों, दही विच्चों, रोटी विच्चों जिहड़ी चीज़ निकलदी, जूस निकलदा है, वह बनता है खून बंदे का, बनता है कि नहीं? फोकट चीज़ बने हो जाती, तो विच्चों जिहड़ी चजदी चीज़ है वह की है? खून। इस तरह जदों तुसीं सत ते संतोख ते विचार गुरबाणी दे विच्चों अपने अंदर लैके जाओगे, उहदे विच्चों एक चीज़ निकलूगी अमृत नाम, ठाकुर का पयो। समझ लग रही थी? हो केड़ी केड़ी चीज़ खड़ोगे? अद्धियां नहीं बोलदियां, सत ये चीज़ जदों तुहाडे अंदर जाऊगी, जे को खावे ते जिहड़ी चीज़ खाईए ना, इंसान ने मूली वाली रोटी खाधी होवे ते डकार आउंदे ते मूँह तो मूली दे स्मैल आउंदी। जिन्हां सच खाधा है उन्हां दी जिंदगी विच्चों सच दी साडे मूँह दे विच्चों स्मैल नहीं आउंदी, सच दी मूँह दे विच्चों 24 घंटे बदबू आउंदी झूठ दी। मुख आवत तां के दुर्गंध, दुर्गंध झूठ विच्चों आउंदी,
सच विचो सुगंधी आउंदी। सच बोलण वाले दी जिंदगी च बड़ी सुगंधी हुंदी, नोट करियो। सच जिस तरह फुल दे विचो सुगंधी खिड़दी ते नाले दे विचो बदबू आउंदी, इतना ही झूठ बोलण वालियां दी जिंदगी च संदीप काली दुर्गंध हुंदी, बदबू हुंदी। उन्हां कोल लोकी मूंह करके राजी नहीं। सच वालियां दे लोकी दर्शन करन जांदे। आखो वाहिगुरू गज के बोलो। जिन्हां सच खादा उन्हां दे मूंह दे विचों समैल आई सच दी, उन्हां सच बोलिया। जिन्हां संतोख खादा सच जाने, वो बड़ा संतोख आ उन्हां दी जिंदगी च। कहिंदे दो डंग दी रोटी खानी आ ना। आखो वाहिगुरू। एक गल बड़ी गहरता ना आखी भी इत्थों असीं चले जाणा है सारिआं। तुसीं कदी बाबे फरीद ने सच खादा है ते बाबे फरीद नूं पुछ के वेखना भी बाबा फरीद जी इत्थे वड्डे वड्डे लोकां कोठे पाए, तुसीं कुटिया च क्यों रहिंदे हो? ते बाबे फरीद दे अंदरों सुगंधी आउंदी सच दी, संतोख दी। शेख हयाती जग ना कुछ थिर रहा, वो अंदर सच बोलदा, उहदे अंदरों संतोख दी खुशबू आउंदी। शेख हयाती, हयाती मन ना मिठा। ये दुनिया बड़ी मिठी, पुत मिठे लगते ने, घर मिठा लगता है, भैन भरा बड़े मिठे लगते हैं, इतने सारा कुछ बड़ा मिठा लगता है। कोई भी इनू छड़ के राजी नहीं। आखो वाहिगुरू। किसी नू कह के वेखो तेरे जान की तैयारी, कहिंदा ना भरावा इहो जिहा ना ना लै। बड़ी मिठी लगती दुनिया। एक फरीद है जिन्हें यह गल अंदर अपने जानी भी शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम वैसे किते बैस गया। जिन्हें मैं बैठा जी, कोई तुसी चौंकड़े मार के बैठे हो, घर बना के बैठे हो, फैक्ट्री लग बैठे हो, इत्थे करोड़ा वार दुनिया वसी ते करोड़ा वार उजड़ी, उन्हू पता लग गया, संतोख आ गया। तीसरी बुरकी तोड़ी विचार दी। आखो वाहिगुरू। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ी ते उन्हू विचारिया। इन्हां तिना चीजां दे विचों जिहड़ी चीज निकली वह अमृत नाम। सत संतोख ते विचार विचों निकलिया की अमृत नाम। ठाकुर का पयो जिसका, जिहदा सारी दुनिया नू आसरा है, आधार उहदा मन दा आसरा, सारी कायनात नू नाम दा आसरा है। साच नाम आधार मेरा जिन भुखां, ऐसा भोजन खादा, ऐसा भोजन खादा कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां ए वडियाईयां, कहे नानक सुनो संतो साचा नाम मेरा जिसका सबस अधारो। जे को खावे तिसका होए अधारो। हुण ए रोटी कि तरह खानी, इहदे विच अमृत भी आ गया है, इहदे विच गुरबाणी भी आ गई, विचार भी आ गई। जे तरह मेरे साहब ने आपां नूं विचार कराई, जिन्हें एक मिनट 40 मिनट रह गए ने, उहदे विच आपां करनी मारो हां चौंकड़े रीढ़ दी हड्डी सिद्धी करो। जिहड़ा तिन्नां चीज़ां दे विचों सत ते संतोख विचार विचों अमृत निकलदा पी लीए, साडा मेरा ते तुहाडा मन टिक जे वह अमृत पहलों पी लीए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। सारी संगत उच्ची बोलो। पिछों तक आवाज नहीं आई अजे। बाबा नानक जी तुहाडे सिर ते खलो के वेखण डए। मैं गुरु दी हजूरी च कहना एक
हर साजन सब के निकट कड़ा। सतनाम श्री वाहिगुरु। बाणी दी भुख कि तरह लगे? आखो वाहिगुरु। तुसी देंदे हो 2100 रुपया, ये तुहाडी निशानी आ भी सुल्तानपुर लोधी बाबा बुढ़ा साहब कथू नंगल हरिमंदर साहब आनंदपुर साहब जिथे जिथे गुर अस्थान ने डेरे ने तुहाडी उत्थे 20-20 साल की 50-50 साल की बुकिंग आ। आखो वाहिगुरु। साढ़े नां की बाणी पढ़ायो। की कहिंदे? साढ़े नां की कंप्यूटर ते सानू हुक्मनामा सुना दिओ। गुर की बाणी मीठी साची अमृत धार, जिस पीती तिस मोख द्वार। जिन्हें इस बाणी नूं खुद मूंह नूं ला के पीता, हाजर रहो मेरिया धीआं, चंगी तरह सुनियो वीर, सुनियो कथा रोज सुनदे हो, कीर्तन रोज सुनदे हो, मगर कुछ नहीं सुनदे। मैं की कहा? कथा रोज सुनदे हो, कीर्तन रोज सुनदे हो, मगर सुन लो। तुसी मेरी भी अरदास करियो कि जिहड़े मैं शब्द कहण डिया मैं भी सुणा। ते तुसी जिस काम नूं अपने घरां दे कारोबार छड के गुरु साहब दी हजूरी च आए हो, काम करो। बाणी दे विच शब्द लिखे ने भी गावो सुनो ते पढ़ो। तीन शब्द मेरे नाल बुणो, गावो सुनो कितें यह भी आया पढ़ाओ। हाजिर हो, बोलो बोलो, सिर हिलाओ जरा थोड़ा जा। कोई शब्द गुरबाणी च लिखो भी बाणी पढ़ाओ, चेतन तां कितना आऊ। तुसी ते बाणी भी ठेके ते देती, पैलियां भी ठेके ते देतियां। आखो वाहिगुरु। गज के बोलो। बुकिंग कराती मोन पाठ दी, 4 लाख रुपया भेटा है। भैन जी कहिंदी जी कोई गल नहीं, मेरा पुत्र आस्ट्रेलिया रहिंदा, असीं 4 लाख देंगे, साड़ी बुकिंग कर दो। एक पाठ मोन दी 4 लाख रुपया भेटा, तो 20 साल की बुकिंग किन्ने कराई? तुसी कराई, तुहाडे मामे कराई हो, चाचे कराई हो, ताए कराई हो। जे ते गुरु नानक दे सिखो कि थोड़ी जी चेतनता अंदर काम करती है, तो अपने आप नूं पुछो भी रोटी कोई खावे तो ढिड तेरा कितना भर जाऊ। बाणी पढ़े कोई, हो सकता जिन्हें इतना मूंह ते कपड़ा बद्धा है तो मौन पाठ कर रहा, बाणी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, यह भी कोई गरंटी नहीं। तुसी कर्मकांडी बन गए हो। एक कर्मकांड सी, इतना पंडित नूं पैसे दे के गायत्री दे पाठ लोकी कराउंदे सी। हजारां सालां तो जिहड़ी ठगी पंडित मारदा आया, अज साडे गुरुद्वारिआं च वाजरी मनुखता दे नाल। मेरा गुरु नानक ठगी रोकण आया सी। आखो वाहिगुरु। लोकां दा शोषण हुंदा सी ते बाबा आया। आखो वाहिगुरु। ते बाबे ने बड़े प्यारे दो तीन बचन कहे, काजी कूड़ बोल मल खाए। काजी झूठ बोलदा है ते लोकां नूं लुटदा है। ब्राह्मण नावे जियां काए, ब्राह्मण भी लुट रहे। जोगी जुगत ला जाने अंध, तिने उजाड़े का बंद। जे सिखा अज तेरे इस चोले वाली भी गल हुंदी ना गुरु नानक साहब दे सामने, ते चौथा तेरा नां लिख दिंदा भी तेरे बाबे भी ओह कुछ कर रहे जो काजी करदा सी। तीओ तीओ ध्यान दिओ, जो काजी करदा सी, जो ब्राह्मण करदा सी, ते जो जोगी करदा सी, अज तेरियां बाबियां भी, बाबियां ही नहीं तेरियां गुरुद्वारे वालियां भी एने एने कमरे बनाते ने भी एक एक कमरे च दो दो पाठ रखे ने। एक गोरा एक दिन क्वेश्चन करके गया हरिमंदर साहब। आखो वाहिगुरु। गज के बोलो ना।
दर्शनी ड्योड़ी तो उन्हें इंटर किया ध्यान रखियो सुनो ध्यान ना मेरी हाथ जोड़ के बेनती है जिन्हें एक गुरु ने स्वास दिते ने सुनो ते समझ लो जिंदगी नू राय पा लो जिंदगी पढ़ाओ ना बाणी पढ़ाओ ना बाणी पढ़ो गाओ सुनो ते पढ़ो एक दिन नहीं भी साल चो जो मुंडे का आनंद कार्ज आया उदो पढ़ा लो पढ़ लो ते बाद चो सारा साल समझो नित भाई हर गाओ मंगल नित सखिए फिर गुरु ग्रंथ साहब कहते मैं गरंटी देना तेन सोग जिन्होंने बाणियों की बोलो ना सोग सोग मैंने गमी 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 सोग दुख गुरु ग्रंथ साहब कहते तू नेता प्रति अमृत वेले उठ के रोज बाणी घर च पढ़िया कर मैं गरंटी देना तेरे घर कदी गमी नहीं आऊगी तेरे घर कदी दुख नहीं आउणगे मैं गरंटी देना बाबा अमरदास कहिंदा ठेके ते पाठ कराने वाले हो किन्ने के तुहाडे घर सुख आ गए ये मैं खैर बाद च करूं गल आखो वाहिगुरु वो गोरा कहिंदा भी मैं घंटा घर तो जदों उतरिया ते वो विजिटर बुक विच लिख के गया भी नाल नाल कमरियां दे विच मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे दीदार कीते इन्हे अदब नाल ओ शब्द लिखदा है वह कहिंदा भी एक कमरे च गुरु ग्रंथ साहब नूं मैं वेख्या ते मैं नमस्कार की अगे गया तो मैं किसी ने पूछा भी ये कौन आ कहिंदे साडे गुरु साहब इन्हां नूं असीं गुरु मानदे हां बाणी गुरु गुरु है बाणी तुरदा गया तुरदा गया तुरदा गया फिर तीन घंटे बाद एक दिन मेरी वारी आई अंदर जाण दी ते मैं अंदर जाके जदों सारी फोटो लईआं सब कुछ वेख्या उत्थे भी कुछ उस तरह का रुमाल दे विच इतना महाराज प्रकाश किए सी मैं पूछा जी ये की ने आखो वाहिगुरु वो कहन लगे जी ये भी साढ़े गुरु ग्रंथ साहब जी ने समझ रहे हो वो कहिंदे कोई डिफरेंट आ ये गुरु ते ओ गुरु जिथे एक बंदा मत्था टेकन वाला नहीं पता लगा भी भैनों बच्चों लगा हाँ नवी नसल जे अपने अंदर इनकलाब लियाओ तुसी इनकलाबी गुरु दे सिख हो तुसी घसिया पिटिया गुरुआ दे सिख नहीं साहब मेरा नित नवे साहब शब्द गुरु दे तुसी सिख हो वो कहिंदा मैं पूछया भी एक गुरु ग्रंथ साहब नूं मैं एक कमरे च वेख के आया जिथे एक बंदा मत्था टेकन वाला नहीं ओह ही गुरु इत्थे आ ते इत्थे तुहाडियां लैणां लगियां ने जां ते मैनूं दसो भी इस गुरु च ते उहदे च कोई फर्क आ हजारां लोक लंघदे ने पिठ करके धन गुरु ग्रंथ साहिब वल कोई मिठसा नहीं टेकदा जिहड़े उत्थे पाठ रखे ने गुरु दा भी व्यापार करता जे बाणी पढ़ाउण नूं नहीं सी बाणी पढ़न नूं सी सहज पाठ रखो आखो वाहिगुरु ते जिद्दण तुहाडी औलाद ते तुसी सहज पाठ कदी सहज सहज नाल करना शुरू कीता ते एक दिन तुहाडे अंदर ये विचार उठनी कांखी एक है मैं पूछना है तुहानू बचियो ध्यान ना लक्ष दा करके बैठो मेरिया भैणा तुसी भी कांखी कांखी मींज चुप हो गए हो तुसी मेरा तो कई बार जी करता कंधा ना टक्करा मार परमजीत सिंह इन्हां नूं बाबिआं दे जिन्ने मर्जी नाम पुछ ला पंजाब च किन्ने डेरे ने इन्हां लोकां नूं पुछ ला इन्हां नूं सारे ही पते है इन्हां नूं पंडतां दा पता इन्हां नूं मुंदरियां च जिहड़े पत्थर लगे नीलम दा पता पुखराज दा पता तेरे एक शब्द की सोझी गुरु नानक देव दी इस संगत नूं नहीं हैगी माफ कर दिओ आ वेखो हथ जोड़े ने तुहाडी सारी संगत नूं मैं हथ जोड़दा मैं पूछया कांखी का अर्थ की आ अखां किते एक जी बोलिया चाहिदा ही तुसी सारे कहिंदे भाई साहब जी इच्छा 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 आकांक्षा इच्छा तुसी नहीं बोले तो मैनू इत्थों पता लगदा भी 100% जदों तुसी मोबाइल चार्ज करदे हो ना ते जदों पूरी चार्ज हुंदी उदों लिखिया हुंदा नाल भी 100% चार्जर मैनू इतना पता लगता गुरु नानक पातशाह की साध संगत जी अजे साडे कोल 1% चार्जिंग नहीं साड़ी होई साड़ी जिंदगी दे विच 1% गुरु नानक की बाणी का प्रभाव नहीं पिया नहीं तो सौखा शब्द सी कांखी एक है नानक उन संग
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨੀ ਬੇਅੰਤ ਕੋਰੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਬੂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਕੇ, ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਲਬੂਤ ਚ ਬਹਿਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਂਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਾਂਖੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਠ ਸੁਣੀ ਸਭ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 51 ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਉਦਣ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਗਾਓ ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ।